अरे सफेद कोट वाले भाई, क्या कर रहे हो? ये कहाँ घूम रहे हो? अरे भाई सर, नर्सिंग कर्मचारी वाले। क्या हो? नर्सिंग कर्मचारी, स्टाफ नर्स। अरे यार, ये दाढ़ी वाले होते हैं नर्सिंग कर्मचारी। भाई साहब, किसको झूठ बोल रहे हो तुम? आप रियल में नर्सिंग कर्मचारी? नया तरीका बना रखा है तुमने पैसे कमाने का, कोट वोट पहन के। भाई साहब, रियल में सरकारी, मतलब क्या ऐसे? क्या देखो, भड़कने की जरूरत नहीं है, सच में नर्सिंग कर्मचारी हूँ। आरयूएचएस में अभी आज ऑफ है, कल की ड्यूटी है आरयूएचएस में, और अभी ड्यूटी चल रही है कोविड में। ये देखो कर्मचारी हूँ यार। हाँ यार, गवर्नमेंट कर्मचारी। और रही बात, देखो 6952 रुपये मिलते हैं मेरे को सरकार, इस कोविड में 6952 रुपये में काम करवा रही है। शर्म आनी चाहिए सरकार। कितनी बार हम सरकार के रोल, ये 9 महीने हो गए यार, सिर्फ 6952 रुपये तनख्वाह है। यकीन तो नहीं होता, राजस्थान सरकार ऐसा कर सकती है, इतना कर रही है। अगर पूरे देश में कहीं बुरी हालत है ना, तो राजस्थान सरकार की है। यार ये तो बहुत, क्या करें भाई साहब, मजदूरी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत गलत कर रही है कर्मचारी, इतनी हालत खराब है, बहुत ही हालत है आज। देखो ये सब करना पड़ रहा है। और 6952 में आप लोग कोरोना में ड्यूटी कर रहे हो? कोविड ड्यूटी भाई साहब, कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। फिर जो फूल बरसा रही थी सरकार आपके ऊपर, वो क्या था? वो दिखावा था भाई साहब। कितनी बार तो रघु शर्मा अशोक गहलोत के पास जा चुके, एक ने भी नहीं सुनी हमारी। अच्छा, सुन ली होती तनख्वाह नहीं बढ़ जाती हमारी। तो ये सब क्या दिखावा कर रहे हैं ये लोग फालतू का? फिर दिखावा भाई साहब, कोरोना के नाम पे लोग यहाँ लोग मर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ मर रहे हैं, इनका क्या एसी रूम में बैठे किसी मिलने का भी टाइम नहीं। 6000 रुपए दे रहे हैं आपको हैं? अरे भाई साहब यार, चीर फाड़ के दिखाऊंगा यार। ये खुद तो अपने विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए होटलों पे खर्च कर रहे, और आप लोगों को जो दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं उनको सिर्फ 7000 रुपए, 6952 रुपए। क्या करें भाई साहब, सुनता कोई है नहीं। अंधी पीसी कुत्ता खाए, राजस्थान सरकार में चल क्या रहा है? वाई वाई लूटते रहते हैं। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो 6900 में गुजारा कर रहे हैं? हालत खराब है भाई साहब। ये तो यार बहुत नहीं भाई, देखो निकम्मी सरकार है इसका मतलब। ये तो आज हम मर रहे हैं, कोई और मरेगा, मरने का काम चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब आप खुद लोग मर रहे हो तो आप लोगों को कैसे बचाओगे? एक चीज बताओ, आपको लोगों को बचाने की आपने जिम्मेदारी उठा रखी है, दूसरी तरफ आप खुद भूखे मर रहे हो। खराब है भाई साहब, बहुत ज्यादा भविष्य खराब है। ऐसे चलते रहे तो हम दम तोड़ देंगे।